नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज सुनते हैं पशु पक्षियों के प्रति अपने अबाध्य प्रेम और लगभग अपनी हर रचना किसी ना किसी पुत्रवत जीव को समर्पित करने के लिए चर्चित हिंदी साहित्य की महान लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कहानी गौरा। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयसंधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उनकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं, तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। उनके भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उनके सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। उस दिन गौरा को ध्यानपूर्वक देखने पर उसकी ओर मेरा आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय के मेरे बंगले पर पहुंचने पर मेरे परिचितों एवं परिचारकों में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाकर केसर रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरा। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में दिए की लौ प्रतिफलित होकर बहुत सुंदर लग रही थी। गौरा वास्तव में ही बहुत आकर्षक थी। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास रहता था। गाय के नेत्र हिरण के समान चलचल ना होकर आत्मीय विश्वास से भरे होते हैं। इस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है कहा है। इसकी सार्थकता गाय की आंखें देखकर ही समझ आ जाती हैं। गाय की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु
वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, किंतु मंद समीर से फूल का अपने वृत्त पर हौले हौले हिलना मन को मोह लेता है। कुछ ही दिनों में गौरा सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलने लगे, पक्षी उसकी पीठ एवं माथे पर बैठकर आनंद उठाते। वह सभी को आवाज से ही नहीं पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। उसे समय का इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक में पहुंचते ही वह बा बा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। भोजन में देर हो जाने पर रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। वह हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती थी। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती, दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, आकुलता आदि की अनेक छायाएं उसकी आंखों में तैरा करती थी। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला सा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। गौरा प्रतिदिन 12 सेर दूध देती थी, अतः लालमणि के दूध पीने के बाद इतना अधिक दूध बचता था कि कुत्ते बिल्ली तक को दूध मिलता था। दूध दोहन के समय वे एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते। महादेव उनके लिए निश्चित किए गए पात्रों में नाप नाप कर दूध डाल देता, जिसे पीने के उपरांत वे अपने अपने स्वरों में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों तरफ उछलने कूदने लगते। मेरे नौकरों में से किसी को भी ढंग से दूध दोहना नहीं आता था, वे इस कार्य में बहुत समय लगा देते थे। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य को करने का आग्रह किया तो हमारी समस्या का समाधान हो गया। अगले दिन से उसने गौरा का दूध दोहन का कार्य आरंभ कर दिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया, वे निरीक्षण एक्सरे आदि के द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। सुई के हृदय के पार हो जाने पर गौरा की मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ, सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। डॉक्टर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ रखी गई सुई मुंह में ही छिदकर रह जाती है। गुड़ की डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतरती है और रक्त संचार में मिलकर हृदय तक पहुंच जाती है। अंत में ऐसा सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले
ऐसे घरों में जहां उनसे दूध अधिक लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी असमय ही मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय की मृत्यु के पश्चात वे उन घरों में फिर दूध देने लगते हैं। सुई की बात पता चलते ही ग्वाला भाग गया, अतः संदेह विश्वास में बदल गया। दिन प्रतिदिन गौरा की दशा शोचनीय होती गई। वह याद करके आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जमने से उसके चुभने की संभावना कम हो जाती है। गौरा को कई कई सेर सेबों का रस पिलाया जाता, ताकत के लिए इंजेक्शन दिए जाते। वह मोटे इंजेक्शन भी शल्य क्रिया के समान दुखदायी होते। अब गौरा उठ भी नहीं पाती थी। पास बैठने पर वह अपना मुंह मेरे कंधे पर रख देती। लालमणी बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का भी बोध नहीं था। मजबूरी वश उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे रुचता नहीं था। वह अपनी माँ का दूध पीना चाहता था, अपनी माँ का सानिध्य चाहता था। वह गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था। मैंने अनेक जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा ही देनी पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतनी हृष्ट पुष्ट सुंदर दूध से उज्जवल पयस्विनी गाय इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ता है। गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा तो बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि अब उसका अंत समय निकट था। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि उसके अंत समय में मैं उसके पास उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी मैं कई कई बार उठकर उसे देखने जाती। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ रहा। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। गंगा के प्रति लगाव एवं श्रद्धा की भावना मुझ में कूट कूट कर भरी हुई है। गंगा के किनारे जाकर मुझे असीम शांति प्राप्त होती है। इसलिए अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरा को ले जाते समय सभी व्यथित हो उठे, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आ मेरा गोपालक देश। दोस्तों, गौरा का क्षण प्रतिक्षण मृत्यु की तरफ बढ़ना और हर संभव चिकित्सा के बाद भी किसी तरह से बचाव ना हो पाने की स्थिति को देखकर भी
कुछ ना करने की विवशता से गुजरने की व्यथा लेखिका ने इस कहानी में व्यक्त की है। लेकिन सच पूछो तो किसी अपने को यूं ही जाता देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इसी बेहद संवेदनशील कहानी के साथ अब चलती हूँ, बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और संसार के सभी जीवों के प्रति संवेदनशील रहें। नमस्कार।